और हमारा शहर है नंबर दो पे भाई। मुझे नंबर वन कह दिया, लेकिन बड़ी ही माजत के साथ हमारे शहर को एक बैन अवी जरीदे ने फोर्स मैगजीन ने नंबर दो में शुमार किया। सुबह आप बताएं क्यों शुमार किया यार? यार दो नंबर को दिया कराची को, तो कराची यही दो नंबर शहर। हम हैं दो नंबर में, पता है ये चीज है, हक है, हम लोग जो है दो नंबर है। लेकिन यार बड़ी ही गलत बात है, देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और पाकिस्तान की शहरत पर सर माशी शहरत जो है उसको दो नंबर करार दिया। हमारी शहरत तो एक ही होती है, लेकिन क्यों करार दिया वो ये वजह है, जवाब है कि उन्होंने सयाहों के लिए करार दिया। सबसे खतरनाक तरीन शहर, सबसे खतरनाक तरीन शहरों की लिस्ट में कराची आ गया है दो नंबर पर सयाहों के लिए। सयाहों को कहा गया भाई वहां जाए तो अपनी जान माल इज्जत आबरू बचा के खुद आप अपनी मर्जी में जाए, अपनी जिम्मेदारी पर जाया करें। यार जान माल की बात ना करें भाई साहब, जान माल के उससे तो पिछले हफ्ते आपके अब्बा के साथ क्या हुआ वही बता दे यार। यार अरे अबे हाथ मंग मंग कुछ नहीं होता भाई। हमारे भट्ट साहब जो है अहमद भट्ट, उनके वालिद साहब असद भट्ट साहब HRCP पाकिस्तान जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन है। तो उनको पुलिस ने बुलाया सैर कराने के लिए ड्राइंग रूम की। मैं बता दूं, मैं बता दूं, सो रहा था चश्म भी हैनी चाय भी ना, और वो हैनी चाय भी सो रहा था। तो सोहेल अली साहब होता ही है, होता ही है। जैसे आप जानते हैं मेरे वाले साहब को, हमारे सारे जो बहुत से लोग हमारे दोस्त जानते होंगे, वाले साहब HRCP यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के चेयरपर्सन है और सारे हकूक की बड़ी ही तवाना आवाज़ है। तो उनका अक्सर पुलिस के साथ और इदारों के साथ भी, मेरे इदारे जो है हमारे जिनका हम अभी यहाँ पर नाम नहीं ले सकते, रब्ता रहता है। और चूंकि वो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के हवाले से उनको आगाह भी करते रहते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन भी लेते रहते हैं। तो ऐसे पुलिस वाले आए हमारे घर पर, आए उस दफा गाड़ी आई, गाड़ी में मतलब जो है अंग्रेजी पुलिस एहलकार भी थी जो हमारे घर में आए दाखिल हुए। और जनाब आदमी वो मैंने कहा कहाँ आई हो बीवी तुम मैंने आई हो, तो मैं तो वैसे ही चला आता था। लेकिन खैर उन्होंने जी जनाब अभी जो साहब लेने आए, अब उनका अकबर जो है खुले हैं बाद में, वो जो साहब लेने आए उन्होंने कहा भट्ट साहब एक इंसानी हकूक का ऐसे एक केस आया SSO साहब के पास, और वो सारे साहब से कुछ हमने बातचीत करनी है, डिस्कशन करना था। हवा साहब बड़ा मेहरबानी चले बड़े था, हाँ जरूर क्यों नहीं भाई, अब्बा जो भी कोई इंसानी हकूक का नाम लेता है, जैसे बिल्ली दूध की तरफ जाती है ना वैसे हमारे अब्बा जो ना उस तरह जो है चले जाते हैं। थाने पहुँचते पता लगता है हम नहीं हटते लड़ाई डॉक्टर साहब, तो वहाँ उनको हद से बोले जो कहा जा रहा है ना उसमें बिठा दिए कमरे में। ना कोई केस था, ना कोई ह्यूमन राइट्स का कोई केस था, ना ही कोई SSO साहब थे। और बाद में खुली के जो साहब खुद लेने आए थे वही SSO साहब थे, और वो कह रहे थे SSO ने बुलाया, और वो ये भी कह रहे थे कि जनाब SSO बनना खिदमत में खुद आगे हो गए, तो उनकी टांग में मसला वो माजूर हो रहे हैं, तो वो इसी हवाले से बुला रहे हैं। यानी अपने आप को गहरा बैठा बैठा उन्होंने जो भी हो तो बेकुफाना बातें की, खैर अब्बा उस वक्त तो आ रहे होंगी बातें। अब वाले साहब ने हमारे फोन कर दिया मुझे कि, और मुझसे पहले अपने जितने भी दोस्त हैं मीडिया में उनको भी फोन कर दिया, और जो है इंसान हकूक के हवाले से लोग उनको भी फोन कर दिया, वो बोला उनको भी फोन कर दिया, मैं भी फोन कर दिया कि पहुंचो भाई इस तरह इन्होंने मेरी हफ्ते मीडिया में रख लिया है और जाने ले ना कोई तफ्तीश है ना कुछ है। तो बहरहाल खैर हम लोग पहुंचे उनके एक बड़े एपिसोड के बाद, हम उनको लाए वापस लाए। लेकिन मैंने ये बात सोहेल अली साहब के जो पुलिस थी इस जो दो तीन घंटे का हमारा रहा उसमें पुलिस का इंटरव्यू, पुलिस को भी इनिशियली पता नहीं था कि उनसे सवाल क्या था। और कहा गया कि आप उन्हें कहा गया है, उनसे ये कहा गया कि बेसिकली उनसे जो इस वक्त पाकिस्तान का जो क्या कहते हैं जनूबी कह देंगे तो हमारे जो सूबे बलोचिस्तान उसके हवाले से सवाल किए, और कहा कि आप गए वहां पर और आप किससे मिले और कब मिले और पिछले महीने गए में, और हमारी इंटेलिजेंस ने बताया मैंने कहा तुम्हारी इंटेलिजेंस कि तुम्हें पता नहीं कि मैं देश में 6-7 साल से लोकसभा में जाऊंगी, ठीक है। तो खैर बहरहाल वो मैं अच्छा सॉरी माजत करके आखिर में चुनबे उस दौरान मीडिया में चल गया, ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया इंटरनेशनल मीडिया में BBC वॉइस ऑफ अमेरिका में खबर पहुंच गई, चूंकि एक इंसान हकूक के हवाले से ये थी इवेंट था मेरे पास। तो वहाँ पर भी खैर वाला कि हम अब्बा को अपने गए, हमें आपको वीडियो भी तो दे दूंगा, जिस तरह हम जा रहे हैं जिस घर से कोई मक्कल में गया रंगे, जिस घर से कोई आया वापस आया वो भी है, हम भी हैं उस वीडियो में शामिल है। तो खैर मेरा ये एपिसोड रही, लेकिन बड़ी हैरतअंगेज बात है कि जो काम बहुत ही आसानी से बहुत ही तमीज के साथ और बहुत ही इज्जत के साथ हो सकता था, ये पूछा जा सकता था, फुल हुआ भट्ट साहब कि आप बलोचिस्तान गए, हमारे अब्बा कहते नहीं गए। ये इसका सबूत है कि मैंने ये पिछले 5-6 साल से, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप बता दो, हाँ शायद मैं जाऊँ। ठीक है भाई, ये हो गए 4 दिन पहले का किस्सा,
निकल आया था उसके जेट लैग से बाहर, उसके बाद तुम मुझे चुने या मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हें कहा बंगाल में फिल्म देखने चलते चलते मैं निकला गड्डी ले गया और गड्डी के रास्ते में आधा ट्रक रोड का उल्टा हुआ, ठीक है असली ट्रक बड़ा वाला जो है ना, सोचो ट्रक था जो जेट फ्यूल लेकर जा रहा था, सोचो मतलब जेट का फ्यूल ट्रक में जा रहा है, कितनी आर्मी है यार, असर में उलट गया, हालांकि उसको होना चाहिए था लेकिन अच्छा वो मैंने विजन देखे कि हमारे लोग जाके उस ट्रक में से हम हमारे गली में तो मुसलमान हमारे माशाल्लाह हमारी तारीख है हमारे गवर्नमेंट वाली, लेकिन बट साहब जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया है घरों में और उन्हें क्या पता बेवकूफ गधे की औलाद बच्चे जो है पाकिस्तानी हर बहती चीज जो है इनके लिए पेट्रोल होती है, चाहे वो किसी का पेशाब हो, ठीक है वो इनका नहीं पता, वो समझ वो ये जाने लगे पेट्रोल है इनके लिए पेट्रोल था, और वो अगर और किसी को ये भी पता था कि जेट फ्यूल है तो वो इस कोशिश में था कि शायद उसकी बाइक में डालेगा सेवेंटी उसकी हमने उड़ना शुरू हुआ ईटी की तरह में तो हमारी कॉमन सेंस है भाई यहाँ पर हमारे लोगों की, तो एक खतरे वाली बात है। पहले यार वहां पर अहमद बिन शर्किया में क्या हुआ था, अहमद बिन शर्किया में यार 126 में या 128 के करीब लोग जो हालात थे उनकी वही होता पेट्रोल का उल्टा उल्टा, ये पिछले 5-6 साल पहले की बात है, और उस पर लोग वहां पर जमा हुए थे फ्यूल लेते हुए पेट्रोल लेने के लिए, और किसी कम बखर ने वहां पर सेवर फेंक दिया और उस फेंक दिया जिससे वो आग बढ़ती थी, 128 लोग सुबह बल भी लिखने अवल बन गए, और हमारे कौन की मेमोरी इतनी कम है और इतनी छोटी है कि वो वाक्य भूल के वहां पर मेरे ख्याल में 200 करीब तो लोग तो वैसे ही पहुंचे थे कराची में पेट्रोल लूटने के लिए, और कराची खैर अहमद में शर्किया था एक गाँव था जो आग था, लेकिन कराची जिसके बारे में कहा जाता है पाकिस्तान का लिटरेट तरीन शहर है, ठीक है कम से कम कुछ नहीं बंदा वहां पर मैट्रिक में पांचवी पास ही होता है, तो उसको मतलब बहुत पास ही पास ना भी थी यार, कॉमन सेंस होती है अपनी जान बचाने की खतरे की आगाही की वो भी नहीं थे बाबा, लेकिन खैर बाबा अल्लाह ताला ने कर्म किया है टिकट लेने जाने वाला था तो डेड पुल जो क्या डेड पुल डेड हो गया ना उस दिन, यार यार मजे की बात है देखे मैं यार मैं यहाँ पर फिर कोई बात होगी कराची रह की हो रही है तफरी कर रही है सगन भी अरे क्यों हो रही है ये आप बताएंगे मुझे, ये बात ये बताएंगे मैं आपका करने वाला हूँ इस तरह उठूंगे काफी जैसे मैं फिल्म में कि जनाब अरे कराची में फिल्म बैन लाहौर में चली गई, लाहौर के दोस्तों मुझे हो गए भाई हम तो देखने जा रहे हैं, मैं कहा मैं भी देखूंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम लोग देखेंगे यार, मेरा मेरा फंक्शन वो कहते थे हम पहले डेड पुल चले हमारी वो बारह में हम देखना चाहते हैं, और वो किसी वजह से उस दिन के लिए सेंसर बोर्ड में तस्सीम सेंसर बोर्ड है या जो भी रांची सेंसर बोर्ड है यार हुआ ये है कि उसके साथ साथ लगी थी कोई ग्लास पेपर बड़ी पाकिस्तान की पहली हैंड ड्रॉन एनिमेशन है आपके जमाने में पाकिस्तान की बनी, मतलब पाकिस्तान में आप बनाई हैं छोड़ भी दिया खत्म हो गया, बंदा वो आखिरी हैंडपम्प फिल्म बनाने वाला भी मर गया, उसके बाद हमने पहली हैंडपम्प फिल्म इसमें अचीवमेंट क्या मतलब अचीवमेंट क्या है ने बनाई है जिन बच्चों ने बनाई है वो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए बनाई होगी या जो भी है वो अभी उस दिन वो भी लगनी थी, कौन पागल का बच्चा डेडपूल एंड वुल्वरीन छोड़कर जो एक अखबार में डॉन में आर्टिकल पढ़ा उसमें लिखा गया एंड द बेनिफिशियरी वाज ग्लास सर्कल, तो ये बड़ी अब कह तो कुछ नहीं सकते लेकिन यार 2+2=5 के बाद तो ये अंदाजा होता है ये हो सकता है ब्रायन रेनॉल्ड्स और ह्यूज जैकमैन को रुकवा दिया एक दिन के लिए, नहीं ठीक है वो चलो माजी के यार आई एम ऑल अप फॉर पाकिस्तानी प्रोडक्शन, वी आर ऑल अप फॉर के हमारा जो लोकल सिनेमा है उसको जो है प्रमोट किया जाना चाहिए, हमारी 4 फिल्में तो बनती है साल में, एक ईद में आ जाती है एक बकरी ईद को खोलना पड़ेगा इंडियन कंटेंट और उसके बाद कोई हल नहीं है, और इंडियन कंटेंट से याद आया भट्ट साहब मैंने कल महाराज देखी लक्ष्मी मेरी घर की देवी है सर, मेरी बेटी कैंप से आएगी तो वो लक्ष्मी के बारे में ही पूछेगी, किसी भी हालत में उसे ढूंढ दीजिए, उसे नहीं होता है तो लक्ष्मी का केस सीबीआई को सौंप दीजिए ना सर। अरे शेविंग चाकू वाले आज तो मरेगा मेरे हाथों। लक्ष्मी सर भाई
मैन वर्थ द हाइप मूवी, वर्थ द हाइप मूवी, क्या कमाल मूवी है। मैं इंडियन फिल्म बहुत कम देखता हूँ, सिर्फ वही जो क्रिटिकली अक्लेम किस्म की बड़े अच्छे मूवी आ जाए हम मैं वही देखता हूँ। लेकिन मैंने सोए बंदी को बोला था और ये बात से बात निकली है, चलो यार व्हाट अ मूवी यार, सोए बंदी बहुत था, बहुत मजेदार, बहुत जबरदस्त एक्शन, भरपूर एक्शन, स्टोरी, डायलॉग्स, सब कुछ। अपार्ट फ्रॉम एक्शन व्हाट वाज डिफरेंट, मुझे क्या डिफरेंट लगा, मुझे वो डिफरेंट लगा कि इट वाज लाइक एन एनियम, ठीक है ना, बाद में रिकनेक्ट किया वियर में ना, एंड देयर अनुराग कश्यप और क्या विजय सेतुपति, कमाल, ठीक है कमाल, मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। लेकिन अनुराग कश्यप है, अनुराग कश्यप की एक्टर भाई, विलन, विलन अनुराग कश्यप ने मेन स्ट्रीम इंडियन यानी बॉलीवुड की वजह से टॉलीवुड से अपना स्टार्ट लिया, एंड हैंड्स डाउन साउथ इंडियन मूवीज, साउथ इंडियन सिनेमा जो है मतलब टोटली डिफरेंट मूवीज बना रहा है, टोटली डिफरेंट टॉपिक्स को उठा रहा है, एंड जो विजुअलाइजेशन एंड द कंसेप्शन ऑफ द मूवी है या उसकी एग्जीक्यूशन है, मतलब आप उसको अपनी कन्वेंशनल सिनेमा से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, टोटली मार्वेलस जॉब। और मुझे बड़ी मतलब खुशगवार हैरत हुई है ये देख के, एंड चूंकि मैं इंडियन मूवीज नहीं देखता रहा, अपनी मुझसे इंडियन मूवीज की बात करना शुरू करता हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने कुछ चार पांच तमिल फिल्में या तमिल तेलुगु जो भी जो हिंदी डब्ड होती है वो अभी रिसेंटली देखी, RRR को आपने देखी, आपने वो देखी जिगर ठंडा XXX, नहीं यार मैं नहीं लेगी, मैं देखूंगा अपन कहते छह घंटा XXX में एक काला सा हीरो, काला सॉरी काला कहना, लेकिन वो 1975 दिखाया तब हम काला कह सकते थे, हीरो कहते मैं पहला काला सुपर हीरो बनूंगा, इंडियन सुपर स्टार बनूंगा, पांड्या स्टार। जो फिल्में पैन इंडिया में चलती हैं उसमें ऐसे काले रंग का हीरो लोगे तो देखने कौन आएगा बोलो, फिल्म के इतिहास का अपन पहला काला हीरो बनेगा, और मेरी पांड्या फिल्म का इतिहास रचने वाला डायरेक्टर होगा तू। पैन इंडिया को पांड्या कहते हैं, और वो होता है क्लिंट ईस्टवुड का पैन। अपनी फिल्म जैसे ही बन जाएंगी ना तो क्लिंट ईस्टवुड के बाजू में अपना कटआउट लगाएंगे और दिवाली में फटाकड़े के साथ पिक्चर रिलीज करेंगे। ओके, क्लिंट ईस्टवुड का फैन वो सिर्फ सारे कतल क्लिंट ईस्टवुड से ही करता है, पीछे सिनेमा में क्लिंट ईस्टवुड की कोई चल रही है और यहाँ चल मेरे को सूट कर। क्लिंट ईस्टवुड ने के अकाउंट से ट्वीट भी डाला कि क्लिंट इज अवेयर ऑफ द फिल्म एंड आफ्टर कंप्लीटिंग जीरो टू तो वो फिल्म देखेगा। अरे ज़बरदस्त समझ यार, ऑल द बेस्ट टू टॉलीवुड फिल्म मेकर्स एंड द एक्टर्स हु आर डूइंग अ मार्वेलस जॉब और बहुत ही डिफरेंट काम कर रहे हैं। मैं तो फैन हो गया महाराजा के बाद, मैं तो फैन हो गया, और इसे नहीं देखी नेटफ्लिक्स पे, ठीक है आपको हिंदी पे भी मिल जाएगी वो फिल्म, हिंदी डब भी है तो आप वो देख सकते हैं, इंग्लिश के सब टाइटल्स भी है वो भी आप देख सकते हैं। सो रवि साहब हम लोग फिर अपना यूएल विशेष यहीं पे करते हैं, और जा रहे हैं हम डेडपूल का टिकट डेडपूल देखते हैं, जाके डेडपूल देखते हैं और गांव से बात करेंगे डायरेक्टर, हाई पे रिकॉर्ड करेंगे, चल मिले भाई, थैंक यू, थैंक यू।